में कॉल आया था ऊपर खनियारा वाली साइड से कि एक डॉग को इंजरी है, तो जस्ट हम देखने के लिए गए कि हम रेस्क्यू कर लेते हैं। तो जब देखा है गाड़ी के नीचे बैठा था, वो बताया कि ये 2-3 दिन से गायब है, और जब ये वापस आया 2-3 दिन बाद तो उसके इतना बड़ा वूंड था ये। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे लैपर्ड वगैरह आते हैं ऊपर वाली साइड, तो लैपर्ड ने मे बी अटैक किया हो, वो श्योर नहीं है वो भी, बट जख्म देख के तो वही लग रहा है। तो ये पूरा मांस का टुकड़ा उखाड़ के ले गया, ले गया हाँ, ले गया, बाइट ले गया, गैस मांस का टुकड़ा उखाड़ेगा अभी तो दांत गड़ाएगा भी ना थोड़ा, पूरा प्लेन है। तो आपको लैपर्ड अटैक नहीं लग रहा? चांसेस कम है। तो क्या लग रहा है आपको? दराट दराट के चांसेस ज्यादा है। तो इसको मैगेट्स पड़े नहीं है ना? भी नहीं, उन्होंने हल्दी डाल दी थी ना इस पे जब उनको दिखा था। और जब हम गए तो ऐसे बिना नेट के पकड़ा हमने, बहुत फ्रेंडली था डॉग। तो डॉक्टर कितना गहरा है इसका जख्म? यहाँ तक है। कहाँ तक है? यहाँ तक है जहाँ मेरा हुआ था। तो हमने वैसे पट्टी कर दी थी ना इसको, पर ये खोल दे रहा है। दीदी कहाँ थी चोट इसको? एक तो इसका टीबीटी की शिकायत है, दूसरा इसके कान में इन्फेक्शन था। दीदी इसका टीबीटी का हो गया इलाज पूरा? जो इसके जो एक दो शॉट बचे हैं वो हम वहीं पे कर देंगे ना, इसके कॉलर को बता दिया है तो वो करवा लेगा। वीकली लिखता है ना वो चिकन, वो ये चिकन भी करता है। अजीब दास्ता है ये, दीदी कैंसिल करवाओगी आप? बहुत शांत डॉग है, बहुत शांत। जो भी कॉलर है ना उसको प्लीज बोलना कि इसके कान पे ज्यादा ध्यान देना, बरसात है वो थोड़ा सा स्क्रैच करेगा, मक्खी बैठेगी तो, क्योंकि इसके ना कान में जल्दी हो जा रहा है। ये पहले भी कान की इंजरी के लिए इतने जो थी जब सबसे पहली बार आया था, और ये हमारे पास आया भी अभी सेकंड टाइम भी कान के ही मैगट वुंड के लिए आया था, लेकिन फिर जब हमने प्रॉपर डायग्नोसिस के टाइम पे टीवीटी भी निकला था। देखना दोनों को टीबीटी है ना, वैसे इसको कान में प्रॉब्लम है ना, मैगेट पड़ गए हैं, दूसरे को टीबीटी है। एक को बंद किया ऊपर छत में और एक को बांध के रखा है। तो खुलने को लेगा, खुलने को लेगा, देख ना वो। नहीं उठा, उठा उठा उठा, बस उठा, बस 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 ऊपर से डालेंगे, ऊपर से, ऊपर से डालेंगे, ऊपर से, हो गया, बस हो गया, बस 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 बस, ठीक है, बस। दूसरा डॉग किधर है? दूसरा किसी के घर में बांधा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं तेरे को? रुक जा। अच्छा नहीं बच्चा, नहीं रुको मुन्नू, मुन्नू अच्छा ये देख, ये नेहा से मिलने आया, नेहा तेरे से मिलने आई, चलो इस समय तक हमारे डॉक्टर्स तो जा चुके थे, तो हमने चोमू का फर्स्ट एड किया और दोनों डॉग्स को अंदर कर दिया। अब जो भी होना था अगले दिन। अब आप देखो चोमू भाई साहब को पकड़ने के लिए हमारी टीम को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर जो चमन है आराम से पकड़ के केज में आ गया था। फर्क क्या है कि चमन के हैं फीडर्स, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर हमें डॉग्स की स्टरलाइजेशन करनी है, वैक्सीनेशन करनी है, तो फीडिंग जो है बहुत जरूरी है।
लेकिन इसके विपरीत दिल्ली के जो एक नेता जी हैं विजय गोयल जी, वो कहते हैं कि स्टरलाइजेशन करो, वैक्सीनेशन करो, मुहिम उनका बड़ा अच्छा है, पर वो फीडर्स को साथ लेके नहीं चल रहे, बल्कि वो उनको और नाराज कर रहे हैं ये कह के कि भाई कुत्तों को खाना देना बंद करो। दतुरा को अभी रिलीज करने जा रहे हैं, शैतान है ये, बहुत बहुत बच्चे मारे हैं इसमें मतलब हिट के। इंजरी इसकी फुल्ली रिकवर्ड है, इसके टेल जब ये आया था तो कटी हुई थी ना, तो जो नीचे का हिस्सा जो आखिरी उसका सरफेस बचा था उसको हमने सिर्फ रेगुलरली ड्रेसिंग की है और उससे वो वुंड हील हुआ है, और अब हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं। और तुमको दो बनाना मिल गए, सुबह भी दो मिले थे, शर्म है नहीं है थोड़ा हेल्दी हो के जा रहे हैं थोड़ा चुरा चुरा के बनाना जो चुरा चुरा के हमारे पड़ोसी मुल्क में ना एक 12-14 साल का लड़का यूट्यूब पे चैनल चलाता है वैम्पायर नाम से, तो लगभग उसके भी उतने ही सब्सक्राइबर हैं जितने हमारे हैं, पर अगर हमारे एक वीडियो के 1,00,000 व्यू आते हैं तो उसके आते हैं 10,00,000, और हमारे वीडियोज़ हैं गाय को बचाने के बारे में, उसके सारे वीडियोज़ हैं गाय को काटने के बारे में। तो मैं चाहता हूँ हमारे वीडियोज़ को ऐसे शेयर करिए, व्हाट्सएप पर डालिए कि भाई व्यूज़ बराबर बराबर दूँ, क्योंकि देखिए बात तभी बनेगी ना जब जितने मारने वाले हैं उतने ही बचाने वाले भी हूँ। इसकी लात किसने तोड़ी आंटी जी? इनकी जड़े पता होता है ना, बेजवान ने गलत किया था। इस पे नहीं चला जाएगा ना, चले देख के। रोटी खा ले पहले, नहीं नहीं ठीक हो जाए। ये लात नहीं खाई, ये जा ले जा ले, इस एक्सीडेंट हुआ। इसका भी एक्सीडेंट हुआ क्योंकि टांग इसकी मैंने आज देखी। क्या मुश्किल क्या आ रही है कि लोगों का जो है ना खून हो गया पानी। जो बेवकूफ होंगे दोबारा चेक ही नहीं करना, लोगों की बदमाशियां कम थोड़ी नहीं। उठ गए अभी ना, मैं नहीं गया था के पास गया, तो मेरे को तो 1 ml की बाइल क्यों करनी, मैंने क्या करनी इतनी। तो कह रहा कि यार यहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है, इससे पूछे। मैंने पूछा कौन सा डॉक्टर है, कह रहा मैं लानी नहीं, मैं पैरा बैठे मैं डॉक्टर साहब आप एक रोक एरिया तो हमारे आता है, तुम ट्रीटमेंट नहीं करते हो, पता क्या बोलता है, कह रहा मैं NGO फोन करो। मैंने कहा मैं NGO से ही हूँ। किस NGO है? मैं कह रहा एक बात सुन, NGO ने ठेका थोड़ा ले रखा किसी का, ठेका तुम्हारा है, तू देता तनख्वाह सरकारी। पता नहीं क्यों बने लोग बैठ, पता नहीं मतलब प्रेम भाव नहीं लगता मैं बहुत, मतलब पिताजी ने कहा कि भाई एग्रीकल्चर या इसमें पैसा है ज्यादा, एनिमल हस्बेंड्री में, तो उसमें अब हमारे जो एक नए वेट हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ये कहानी है, उन्होंने करा उसके बाद वो एनिमल हस्बेंड्री में लगे, वो पशु प्रेमी जिनको बचाने के लिए वेट बना, तो मैं तो यहाँ पे उनकी बस हेल्थ की जाँच कर रहा हूँ कि ताकि वो कट के आगे बिक सके। पहले तो कोशिश करी उन्होंने कि आत्मा को मार के झेल जाए, नहीं झेल पाए तो फिर वो हमारे साथ आ रहे हैं। ऐसे वेट चाहिए, पर आज से मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 10-15 साल बाद ऐसे बड़े सारे वेट होंगे, क्योंकि बड़े सारे बच्चे हमारे को मैसेज करते हैं हम वेटनरी में जा रहे हैं, वेटनरी में जा रहे हैं। कौन है डॉक्टर जी? ये कल शाम को आए जी, कॉलर ने तो कहा कि इनको टीबीटी है बट हम लोग चेक करेंगे, ये टिक्स के लिए है दवाई। क्या था ये हो रहा है, मैं मारूंगी तेरे को, गंदी बातें कर रहे हो आप। इसका तो कान गायब है। यस कान गायब है, बहुत दर्द में होगा ना ये? दर्द में भैया बहुत ज्यादा। अच्छा बेटे रुको रुको रुको, हम टोली को मारेंगे, ये टोली तो है ही बेकार कहीं का। ले 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 ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं नहीं मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं भाई साहब मेरी गलती है, मेरी गलती है ना। रुक जा रुक जा रुक जा, कोई कुछ नहीं कर रहा आपको, एक तो आप इतना वो करके आए हो ना, ये कांड है मनु, रुको कोई कुछ नहीं कर रहा, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरे बच्चे ने गुड बॉय नहीं, सो जा डॉक्टर साहब टीवीटी नहीं है ना, सुन नहीं कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ कान में मैगेट वुंड है ना, ना बच्चा।
एक्चुअली वो दो तीन दिन के बाद खुद ही शांत हो जाएगा ना, क्योंकि कभी कभी किसी डॉग्स को ये होता है ना कि अकेले जैसे कि किसी हैंडलिंग करोगे आप पैर से, कभी कभी वो बहुत सारे लोगों को देख के परेशान हो जाते हैं। दीदी बस इसको टीबीटी की शिकायत है, बस इंजरी तो नहीं है ना कोई इस डॉग को? नहीं दी है। अच्छा रुक जा, निकाल ले इनके जाइए। अच्छा ये रहा ना, थोड़ा ही है, बहुत थोड़ा। इसको तो बहुत थोड़ा है, इसका एक शॉट लगा के वापस कर सकता है। जब हम पहले गए थे तो एक शॉट लगाया था इसको, एक शॉट लगाया था, एक डोज भी पूरी हो जाएगी। इन महाराज का हम पहले ही ट्रीट ऑन सीट कर रहे थे तो इनको विनक्रिस्टीन का एक इंजेक्शन लग चुका था जिससे इसका ट्यूमर काफी छोटा हो गया था, और अब एक और डोज के बाद जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो हम इसको रिलीज कर देंगे। वैसे तो हम स्टरलाइजेशंस मात्र फीमेल की करते हैं, पर क्योंकि इसके एरिया में ये टीवीटी सक्रिय है तो बरसातों के बाद हम इसकी भी स्टरलाइजेशन कर देंगे ताकि ये दोबारा से टीवीटी किसी से कैच ना कर ले। अब चोमू आपके सामने एग्जांपल है कि इसको कितना पकड़ने में मेहनत लगी थी, और अब इसको हमने चार दिन खाना डाला है और अब आप देखो कि ये कितना फ्रेंडली हो गया। अब आप अंदर जा सकते हैं। बच्चू साहिबा इसकी तो हड्डी दिख रही है अंदर से, और इसका बगल वाला पैर भी पूरा बैंड हो रखा है, वो वेट आ रहा है ना उस पे ज्यादा। बच्चू यार इसका तो ईयर भी कटा हुआ है। भाई साहब कुत्तू सी उम्र में कितनी तकलीफ है। बस बस लड़के मैगेट्स। अच्छा मैगेट्स भी थे इसको? पहले नहीं थे, अब पड़ गए क्योंकि जख्म जो पड़ गया इतना। हमने मैगेट्स तो सारे क्लियर करते होंगे ना बेटा? अभी आज ही उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, मैगेट्स क्लियर कैसे होंगे कुणाल? ओके अभी तो मैगेट्स क्लियर करेंगे, आज हम मारेंगे कल हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर दो तीन दिन मैगेट्स क्लियर करने में लगते हैं, फिर उसका इन्फेक्शन क्लियर होगा, इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लंबा चलेगा, फिर सपोर्टिव थ्रेडिंग क्योंकि इन्फेक्चर है अंदर, नर्व डैमेज भी हुआ है तो नर्व प्रोडक्ट्स चलेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फ्रैक्चर हील होने की टेंडेंसी कितनी है इसकी इन्फेक्शन क्लियर होने के बाद। जब तक इन्फेक्शन होगा तब तक तो फ्रैक्चर हील वैसे भी नहीं होगा। सो अभी भी बेंड ही हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? अभी करेंगे उठ गया बच्चू, फिर से लेट गया बच्चू। आज मेरा भी रिलीज हो रही है क्या? हाँ मेरा को हम लोग हॉस्पिटल से पिक करेंगे, उसको भी रिलीज करना है, वो भी हील है। हॉर्न में काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैगेट वुंड था, जब वो आई थी तो ब्लड लॉस भी काफ़ी हो चुका था ऑलरेडी, बट धीरे धीरे रेगुलर ड्रेसिंग के साथ एंटीबायोटिक्स के साथ उसका वुंड कम्प्लीटली ठीक हो गया। जो हॉर्न का हिस्सा जो है वो सॉफ्ट है थोड़ा सा, लेकिन अभी अगर हम जिंक ऑक्साइड का पेस्ट लगा दें तो ना तो उसमें मक्खी बैठेगी, कोई सॉफ्ट पोर्शन ब्लीडिंग वाला नहीं है उसमें, और वो टाइम से हील हो जाएगा। ए मेरा आ मेरा लाइक ये बैल को लेने आए हैं। कौन से बैल को? ये तो सर के अंदर है। अच्छा ये तो अपने धनोटू में ही है। हाँ। बाल तो है किसी का ना साहिल भाई? नहीं नहीं अब आ रहे हैं। पाई थी तो नहीं रस्सी मार रहा है। अंदर जाने बाल आना दे इसके पीछे चोट है। हाँ। देखो बड़े प्यार से आ गया। चलो तो वेट कर रहे, कल भी आया था इसके लिए कॉल पर कल खेतों में था। तो यहाँ बंद करा है किसी ने? नहीं नहीं ये बेस्ट है ना। अच्छा चल आ जा। कहाँ लेके जाता है? रस्सी कमाई है नहीं? बहुत लगी ना बेचारे को? बहुत ज़्यादा। ये कैसे लगी भैया? पता नहीं। बस जा तो बैठ जा। इसको हमने सुबह धनोटू से रेस्क्यू किया, हमारे पास जगह यहाँ पर नहीं है काउशन में, तो इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, और मैगासाइड और आयोमेक्टिन पोर कर दिया गया है। बेसिक क्लीनिंग हो गई थी सुबह, अब कल तक जब मैगेट्स मर जाएंगे उसके बाद हम फिर रेगुलर एंटीबायोटिक पेन किलर वुंड ड्रेसिंग शुरू करेंगे। मैं
आप मेरे मित्रा तुम घुमा के लेके आइए। होपलेसनेस तब होती है जब हम कुछ ना कर पाए, जैसे कि मान लो कि भी मैं बिल्कुल जेल के सेल में ही, तो मैं होपलेस हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन हम लोगों के पास हमेशा कुछ 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 ऑप्शन है। हम कुत्तों को पानी दे सकते हैं, खाना डाल सकते हैं, किसी गऊ सदन में जाके किसी एक गाय की सेवा कर सकते हैं, फर्स्ट एड सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जब हम ये छोटी चीजें करते हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है, तो फिर होप आती है। इसीलिए मेरी उम्मीद इतना सब कुछ देखने के बाद भी अभी मरी नहीं। तुम जैसा जब यंग ब्लड आके साथ नहीं, सीरियसली मैं तो देखो कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था, तुमने रखा नहीं था, कि ये सारे लाख लाख सैलरी लेने वाले लोग अगर एक तिहाई सैलरी पे काम कर रहे हैं तो एक वो तो है, फील तो है अंदर से ना।